जिला परिषद चेयरमैन पद के लिए राजनीतिक गठजोड़ की कोशिश जारी है, लेकिन जिला पार्षद की 6 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी ने इनेलो को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इनेलो ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार किया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर इनेलो को समर्थन नहीं देगी। बता दें कि इनेलो विधायक महासचिव अभय सिंह चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया था कि जिला परिषद का चेयरमैन इनेलो का होगा। साथ ही कहा था कि आम आदमी पार्टी से जीतने वाले उम्मीदवारों से उनका पुराना रिश्ता है। सारे बुला लेंगे ये भी जो यहाँ जो आम आदमी के नाम पे जीते हैं, इन सब से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं। अब हर कार्यकर्ता का मन करता है चुनाव लड़ने को, लेकिन सिंबल सबको नहीं दिया जा सकता, सिंबल किसी एक को ही दे सकते। ये जो साथी जीत के आए हैं, मैं कह रहा हूं जिस दिन चेयरमैन का चुनाव होगा उस दिन आप देखना, मैक्सिमम लोग हमारे साथ खड़े नजर आएंगे। आप मेरा सबसे संपर्क है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई है और अभय सिंह जी उसी सिस्टम से निकले हैं जो भ्रष्टाचार करता है। अभय सिंह जी इतने सालों से एलनाबाद के विधायक हैं, एलनाबाद में तहसीलों में खुल के भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर परिषद में यूएलबी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है और वहाँ के जिला परिषद के अंदर, ग्राम पंचायतों के अंदर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। आज तक किसी भी भ्रष्टाचार पर अभय सिंह जी नहीं बोले हैं। अभय सिंह जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। जिला सिरसा के अंदर नगर परिषद सिरसा में पिछले साल 150-150 करोड़ का घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार पर वो कभी बोलते नहीं है और वो सपना लेते हैं कि आम आदमी पार्टी उनका साथ देगी। ये सपने में है, इनको हकीकत आम आदमी पार्टी बताएगी। अगर इनका चेयरमैन बनता है तो हम इनको भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, साथ देना तो दूर की बात है। हम भ्रष्टाचारियों के